आजकल बहुत सारे लोगों को बाल झड़ने की परेशानी होती है। बाल झड़ने लगते हैं और बाल जब लगातार झड़ते रहते हैं तो बाल तो झड़ते रहते हैं लेकिन नए बाल उगते नहीं हैं, तो परिणाम स्वरूप यह होता है कि उनमें या लोगों में शिकायत हो जाती है गंजापन की। वहाँ पर उनका चांद, बाल झड़ जाता है तो चांद दिखाई देने लगता है सिर का, मतलब कुल मिला के वो गंजे हो जाता है। तो इस तरीके की समस्या को रोकने के लिए यहाँ पे एक अनुभूत आयुर्वेद का एक चमत्कारी उपयोग करने वाली नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, रुक जाएगा झड़ना, बाल गिरना बंद हो जाएगा। और जो बाय द वे आप झड़ चुका है, आप लेट हो चुके हैं और आप बिल्कुल आपका चांद नज़र आ रहा है सिर का, आप गंजे हो चुके हैं, तो आप ये उपयोग करेंगे, आप ये नुस्खा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके झड़े हुए बाल या जो झड़ चुके हैं, गंजे हो चुके हैं, वहाँ पर से पुनः नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे और आप फिर से बाल वाले बन जाएंगे, मतलब आपका गंजापन दूर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि नए बाल उग आएंगे। ठीक है, जानना चाहते हैं इस चमत्कारी अनुभूत नुस्खे के बारे में तो आप इस वीडियो पर बने रहें और साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार की मेरी आने वाली वीडियो जिसमें खास और गहरी जानकारी देता हूँ आयुर्वेद के संबंध में, तंत्र मंत्र से संबंधित, लाल किताब के टोटके, होम्योपैथिक नुस्खों के बारे में, ये सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, चलिए बताता हूँ कि यदि आप गंजापन के शिकार हो चुके हैं, आपके बाल झड़ चुके हैं, झड़ रहे हैं और कई जगह बालों में अलग अलग जगहों में गंजापन की स्थिति उत्पन्न हो गई आपके सिर में, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए दोस्तों आपको कलमी शोरा 20 ग्राम लेकर 6 कागजी नींबू के रस में खरल करके रखें। इस मिश्रण को गंज या गंजा जहां हो गया है उस गंजे वाले स्थान पर लगाएं। 2 घंटे बाद हमाम साबुन से धोकर पैरासूट खोपरे का तेल लगा लें। 1 माह में आपकी जो गंज है या गंजेपन की समस्या है वो नष्ट होने लगेगी। यह सस्ता और सरल नुस्खा कभी फेल नहीं होता। माताएं और बहन बेटियां इसका प्रयोग कर बालों की समस्या से छुटकारा प्राप्त करें और हमें आशीर्वाद भी दें। पुरुष भी प्रयोग करें। लगाने के इस प्रयोग, ये लोकल ट्रीटमेंट है, तो इस स्थानीय जो ट्रीटमेंट आप करते हैं लगाने के इस प्रयोग के साथ ही बाजार से आपको आमलकी रसायन की शीशी ले आएं। इसे 3-3 ग्राम से 5-5 ग्राम के बीच की मात्रा में आयु के अनुसार सुबह शाम सेवन करें। इसके साथ पानी या दूध ले सकते हैं, तो इससे आपकी गंजेपन की समस्या दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे, क्योंकि गंजापन होते ही आपका आधा व्यक्तित्व ऐसे ही समाप्त हो जाता है। आप लोगों के बीच बैठते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आप आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई इसका उपयोग कर, हमारी बहनें और हमारे माताएं इसका उपयोग कर अपनी समस्याएं दूर कर सके, अपनी गंजापन की समस्याएं दूर कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।